आई एम श्योर यू ऑल नो जस्टिन बीवर एंड आप सब लोगों ने उनके सॉन्ग्स भी सुन रखे होंगे। Justin Bieber yesterday told that he has got facial paralysis and Ramsey-Hunt syndrome. You can watch his video. As you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsey-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So, एक क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज ट्रांसेंड सिंड्रोम और इसमें जो ये फेशियल पैल्सी यानी कि फेस एक साइड का टेढ़ा हो जाता है क्या ये परमानेंट होगा या टेम्परेरी मेडिसिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। सो गाइज माई सेल्फ डॉक्टर आमिर एंड इन टूडेज वीडियो आई एम न्यूरोसर्जन सो आई स्पेसिफिकली डील्स विद ब्रेन एंड नर्व्स ओनली। सो इन टूडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि ये जो ट्रांसेंड सिंड्रोम होता है ये क्या होता है, इसकी वजह से फेशियल नर्व की या फेशियल पैरालिसिस हाफ साइड का फेस जो टेढ़ा होता है वो क्यों होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और इसकी प्रोग्नोसिस क्या है यानी कितने परसेंट चांस है कि ठीक हो जाएंगे या फिर कितने परसेंट चांस है कि ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा। सो रामसे-हंट सिंड्रोम इज ए वायरल इन्फेक्शन, ये एक वायरस से होता है एंड वायरस इज सेम जो चिकन पॉक्स कराता है। होता क्या है, अगर किसी को बचपन में चिकन पॉक्स होता है या किसी को सब क्लिनिकल चिकन पॉक्स इन्फेक्शन होता है तो वायरस ये डोरमेंट स्टेज में नर्व्स में जाकर रह जाता है और उसके बाद अगर कभी आपको कोई स्ट्रेस होती है या आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट आती है आपकी, मतलब किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या फीवर वगैरह आता है हाई ग्रेड फीवर, तो ये चांसेस होता है कि ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाए। अगर ये फेशियल नर्व के जेनिकुलेट गैंग्लिया एक स्पेसिफिक पार्ट होता है फेशियल नर्व का वहां पर रीएक्टिवेट होता है अगर ये वायरस तो देन इट कैन कॉज रैमसे-हंट सिंड्रोम। अब स्पेसिफिकली होता क्या है, आपकी जो फेशियल नर्व होती है जो आपकी फेस की मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि हम हंसते हैं चीव करते हैं ऊपर भौंहें देखते हैं आंखों क्लोज करते हैं ये सब काम जो होता है जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं बेसिकली वो फेशियल नर्व के थ्रू गवर्न होता है और जो फेशियल नर्व आपकी होती है जो ब्रेन से निकल के जो मिडिल जो कान के थ्रू आपके फिर कान से निकलती है फिर पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है उसके बाद फेस पे आती है तो इस जो इसका रास्ता है इसमें मिडिल ईयर वाला पार्ट जो है जो तो वहां पर अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो ये रामसे-हंट सिंड्रोम कहलाता है। और उसमें साथ साथ क्या होता है कि अगर ईयर में इन्फेक्शन है तो वहां पर हियरिंग वाली नर्व भी आपकी होती है तो वो भी डैमेज हो सकती है, साथ साथ कान में इरप्शंस होते हैं क्योंकि जो वेरिसोला जोस्टर की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पे छोटे 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 दाने निकल रहे हैं वेसाइकल्स निकलते हैं तो ईयर में भी वेसाइकल्स निकलते हैं साथ में सीवियर ईयर पेन होता है और साथ में ये फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है तो इसका क्लासिकल ट्रायड होता है। Now coming to the Justin Bieber, अगर आप उनकी पिक्चर ठीक से देखते हैं तो probably he is having grade 3 और grade 4 facial palsy क्योंकि उनकी आंख पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रही। So in Ramsey-Hunt syndrome, if someone is having grade 3 or grade 4 facial palsy, then there's a 70% chances that he will recover to grade 1 or grade 2, यानी कि उसकी या तो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है या थोड़ा मिनिमल रेजिडुअल पैरालिसिस हो सकता है एंड 30% चांसेस ये होता है पॉसिबिलिटीज ये होती है 30% कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि दे कैन हैव सम डिग्री ऑफ रेजिडुअल पैरालिसिस यानी जो ग्रेड 4 में है वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रेड 3 वाले ग्रेड 3 में रह जाएंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फेशियल पाल्सीज क्या होते हैं तो यू कैन रीड फ्रॉम दैट ऑल्सो। अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस ट्रांसेंड सिंड्रोम की आपका हियरिंग डैमेज हो सकता है, परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ आई आई की कॉर्निया डैमेज हो सकती है। ट्रीटमेंट इज विद एंटीवायरल ड्रग्स एसाइक्लोवीर, जनरली ट्रीटमेंट इज फॉर 21 डेज एंड रिकवरी जो होती है वो विद इन 1 मंथ ज्यादातर हो जाती है एंड बट स्टिल देयर आर चांसेस के 30% पॉपुलेशन में सम डिग्री ऑफ रेजिडुअल पैरालिसिस रह जाए बट वी विश हिम स्पीडी रिकवरी, वी विश हिम कि उनकी कंप्लीट रिकवरी हो जाए। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट रामसे-हंट सिंड्रोम यू कैन मैसेज मी, यू कैन मेल मी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।